आज का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमारा देश नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। हम देखें कश्मीर, कन्याकुमारी, केरला, ऑल साइड्स, राजस्थान के किले, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखना चाहें और कंफर्टेबली देखना चाहें तो भारतीय रेल एक ऐसा मोड है जो इन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करता है और हम यह जर्नी बहुत आरामदायक तरीके से पूरी कर सकते हैं। भारतीय रेल हमारे जीवन और भारतीयों के लिए एक लाइफलाइन है। इंडियन रेलवे भारत के हर नागरिक को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और देश की एकता को बनाए रखने में अपना अहम सहयोग देती है। तो दूरियों को मिटाया, कल्चरल डिफरेंस को कम किया। ट्रेन में हम ट्रेवल करते हुए वॉक करना है, इधर गए, इससे बात की, वो ऑल टाइप ऑफ होमली एटमॉस्फेयर विल बी देयर। सो भारतीय रेल ने हमें एकता और सोसाइटी और एक कम्युनिटी में रहने के लिए भी प्रेरित किया। हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी 1853 से, जब बोरीबंदर से थाना के बीच में पहली ट्रेन चली थी। दिन का लगभग 3:35 का टाइम था जब 3 स्टीम इंजन्स ने पहली ट्रेन बोरीबंदर से थाना के बीच में लेकर गई थी, ट्रेवल किया था। और उस जर्नी के साथ पहली बार 400 पैसेंजर ट्रेवल किए थे। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था जब लोगों ने छुक छुक चलती ट्रेन को देखा जिसे 3 भाप के इंजन खींच रहे थे। 3 लोगों थे हमारे, सिंध, सुल्तान और साहिब। 3 स्टीम लोगों से आज हम इलेक्ट्रिक लोगों वंदे भारत ट्रेन के एरा में आ गए हैं। सो रेलवे ने काफ़ी प्रगति की है और पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए हमेशा कोशिश की है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है एंड रेलवेज मोस्ट इकोनॉमिक एंड एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखें तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है वो रोड सेक्टर के मुकाबले 1/9 होता है, ऑलमोस्ट 1/10। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी अगर हम देखें तो ये लगभग आधी होती है।